वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साईप्रिया। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वैलेंटाइन डे के लिए हम क्या गिफ्ट चूज़ कर सकते हैं बॉयफ्रेंड के लिए या हस्बैंड के लिए। तो अभी 4 डेज रह गया वैलेंटाइन डे के लिए, तो लास्ट मिनट में हम कैसा गिफ्ट चूज़ करें जो कि उनको पसंद आए। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये लुक वैलेंटाइन डे के लिए क्रिएट की हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरी चैनल पे शॉर्ट वीडियो में ये वीडियो अपलोड की हूँ, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड ये लुक बहुत सिंपल एंड इजी है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी गिफ्ट कैसे चूज़ करें। लड़कों को थोड़ा सा ब्रांडेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वो रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो हम ऐसे गिफ्ट दें जो कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो और उसकी ब्रांड भी अच्छी हो, तो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। क्योंकि हमारी रियल लाइफ में और हमारी मेंटालिटी ऐसी है, जो चीज़ें हमें सूट करती है वो हम ज़्यादातर पहनते हैं। अगला गिफ्ट में आती है वॉच, तो वॉच काफ़ी ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं और बहुत सारी ब्रांड है, आप अच्छी क्वालिटी की वॉच उनको गिफ्ट कर सकते हैं। सेकेंड आती है टी शर्ट नहीं तो शर्ट, जो कि लड़कों को शर्ट काफ़ी अच्छी क्वालिटी की अच्छी क्लॉथ पहनना पसंद है और कलर भी उनको सूट करती हो। इसके बाद आती है जीन्स पैंट, जो कि जीन्स की क्वालिटी अच्छी हो, कलर अच्छी हो, उनके पास वो कलर ना हो और उनको सूट करता हो, तो आप उनको शू भी गिफ्ट कर सकते हैं। आजकल ब्रांड बहुत सारा है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अगर उनके पास वो कलर या उनके पास वो स्टाइलिश शू नहीं है तो वो शू भी आप दे सकते हैं। और आप चाहे तो एक सनग्लासेस भी दे सकते हैं, जो कि अभी समर स्टार्ट होने वाली है मार्च से, तो आप उनको सनग्लासेस भी गिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है परफ्यूम, तो लड़कों को काफ़ी क्रेज़ रहता है परफ्यूम की नहीं तो बॉडी स्प्रे की, तो आप उनकी चॉइस और उनकी टेस्ट को देख के आप उनको परफ्यूम भी गिफ्ट कर सकते हैं। आप उनको हैंड ब्रेसलेट दे सकते हैं जो कि वो रेगुलरली वो पहन पाए। तो गाइस यहाँ पे जितने भी मैं गिफ्ट शेयर की वो रेगुलर ड्रेस में वो यूज़ भी कर पाएंगे और आप एक अच्छी क्वालिटी और ब्रांड की चीज़ें भी उनको दे पाएंगे जो कि उनको पसंद आएगी। अगर आप कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं जो कि रखने की चीज़ हो, तो वो उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि वो एक जगह पे पड़ा रहता है। अगर वो यूज़ करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, वो चीज़ें उनके पास रहेगी। तो गाइस अगर आपको ये गिफ्ट देना या उनको लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर आप एक अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ। आप डिनर करने जा सकते हैं, नहीं तो कहीं पे वॉक पे जा सकते हैं और पूरी डे को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो आप सबके लिए एक अच्छा सा वैलेंटाइन डे आप इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।